नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे तथा हमारी आने वाली वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो स्वागत है बच्चों आपका हमारी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास में संकलित अध्याय 6, जिसका शीर्षक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। प्यारे बच्चों, आपने विश्व के भौतिक मानचित्र या भारत के भौतिक मानचित्र को देखा होगा और आपने यह भी महसूस किया होगा कि हमारा पृथ्वी का धरातल एक जैसा दिखाई नहीं देता। इसमें एक रूपता नहीं पाई जाती है। यह कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर समतल है, तो कहीं पर यह आपको नीचा दिखाई देता है। बच्चों, ऐसा क्यों है? पृथ्वी का जो धरातल है उसमें विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? इसके पीछे दो कारण हैं। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलें और पृथ्वी के बाहर होने वाली हलचलें। आंतरिक हलचलों में भूकंप, ज्वालामुखी आदि प्रमुख हैं। जैसा कि आप जानते हो, आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर लावा भरा पड़ा है। यह लावा इतना गर्म है जिस कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और अंदर दबाव आ जाता है। इस लावे के कारण पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो हलचल करती हैं और अंदर पूरी तोड़फोड़ होती है। बच्चों, इसी प्रकार से पृथ्वी के बाहर भी कुछ बल कार्य कर रहे हैं जिन्हें हम बाहरी बल बोलते हैं। इनमें वायु, नदी, महानदी आदि प्रमुख हैं। बच्चों, जब नदियाँ बहती हैं, पहाड़ों से मैदानों में आती हैं, मैदानों से समुद्रों में जाती हैं, तो ये पृथ्वी के ऊंचे भाग को खुरचती हैं या उसे तोड़ती हैं और इस खुरचने या तोड़ने के कार्य को हम अपरदन कहते हैं। फिर इसी खुरचे हुए पदार्थ को नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं और निम्न स्थानों में उसे जमा करती हैं। इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक नदियाँ इन ऊंचे उठे हुए भागों को समतल ना कर दें। बच्चों, ये बहुत लंबी प्रक्रियाएँ हैं। बच्चों, इन प्रमुख स्थल रूपों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, तीसरा है मैदान। बच्चों, इनको इनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर हम इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनका गहनता से अध्ययन करते हैं। बच्चों, पृथ्वी का पहला मुख्य स्थल रूप जिसका हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, आपको मालूम है जलवायु ठंडी होती जाती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, जिसे हम तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। इसीलिए जो बहुत ऊंचे पर्वत हैं उन पर तापमान कई बार 0 डिग्री से बहुत नीचे चला जाता है, जिस कारण वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हिमानी कहते हैं। बच्चों, हम आपको यहाँ यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। ऐसे ही पर्वतों में प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप के नज़दीक सागर की सतह के नीचे स्थित है। बच्चों, इसकी ऊंचाई
10,205 मीटर जो कि एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। बच्चों, कई बार पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी है। बच्चों, सभी पर्वत एक जैसे नहीं होते, इनके बनने की प्रक्रियाओं व ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है तथा इन्हीं आधारों पर हम इन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। और ये वर्ग हैं, नंबर 1 वलित पर्वत, नंबर 2 भ्रंशोत्थ पर्वत, नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले हम वलित पर्वत की बात करेंगे। वलित पर्वत प्राय समुद्र या बड़ी झील की तली में नदियों द्वारा बड़ी मात्रा में अवसाद जमा होने के कारण, तली के नीचे धंसने या प्लेटों में हुए क्षैतिज विस्थापन के कारण बनते हैं। चित्र में आप इनके बनने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। हिमालय तथा आल्प्स पर वलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। यहाँ मानचित्र में आप अरावली पर्वत को देख सकते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। बच्चों, ये पर्वत बहुत पुराने हैं जिनके ऊपर अपरदन की प्रक्रियाओं के कारण ये घिस घिस कर छोटे हो चुके हैं। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। यहाँ विश्व के मानचित्र में आप इनको देख सकते हो। बच्चों, अब हम भ्रंशोत्थ पर्वत के निर्माण की जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी मुख्यतः 7 विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें गतिशील हैं और इनमें आंतरिक शक्तियों के कारण हलचल होती रहती है। इन्हीं हलचलों के कारण कई बार पृथ्वी का जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी ह्रास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यहाँ पर दिखाए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण कैसे परतों में ऊर्ध्वाधर विस्थापन होने के कारण उत्खंड भ्रंश व द्रोणिका भ्रंश बन गए हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। यहाँ आप विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देख सकते हैं। अब हम पर्वतों की अगली श्रेणी यानी ज्वालामुखी पर्वत के बारे में जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में यह जानकारी प्राप्त की है कि पृथ्वी के अंदर बहुत भारी मात्रा में मैग्मा भरा हुआ है जो कि पृथ्वी के भीतर अत्यधिक ताप व दबाव पैदा करता है। जब यह लावा पृथ्वी के बाहर निकलने की कोशिश करता है या निकलता है तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। आप ज्वालामुखी का यह चित्र देखिए, आप जान जाएंगे कि बार बार ज्वालामुखी फटने पर बाहर जमता रहता है तथा यह लावा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। अर्थात ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। आप इन्हें यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम
पर्वतों से होने वाले फायदों पर चर्चा करेंगे। पर्वत हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां व वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों पर वन पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। बच्चों, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भी पर्वतों में खेले जा सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के कुछ प्रचलित खेल हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपने यहाँ तक पर्वतों के बारे में जाना। अब हम पृथ्वी की दूसरी बड़ी स्थलाकृति जिसको हम पठार कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के दक्षिणी भाग को इस मानचित्र में ध्यान से देखें। आप यहाँ पर यह पाएंगे कि इसका अधिकतर क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्र से उठा हुआ है, परंतु ना तो उसकी पर्वत की तरह कोई एक चोटी है और ना ही वो मैदान की तरह बिल्कुल सपाट है। तो चलिए हम इसके बारे में और गहनता से चर्चा करते हैं। पठार। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि यह उठा हुआ उबड़ खाबड़ भाग पठार है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। इन सभी को आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। यहाँ आपको तिब्बत का पठार दिखाई दे रहा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है तथा यह पठार भारत व चीन के बीच एक मेज की तरह है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पठारों के भीतर खनिजों का भंडार छुपा होता है? इसीलिए पठार भी पर्वतों की तरह ही हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। यहाँ मानचित्र में देखिए, आपको जो पठार नज़र आ रहे हैं उनमें प्रमुख अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्वतों की तरह ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास में पठारों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चों, आपने यहाँ तक पठारों के बारे में और पर्वतों के बारे में
विस्तार से जाना। अब हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के अगले प्रमुख स्थल रूप यानी मैदान की। चलिए हम इसका गहनता से अध्ययन करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, तो पर्वतों को अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। चलिए हम आपको मानचित्र की सहायता से नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदानों जो एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं दिखाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी, मैसौरी का प्रेरीज बड़े मैदानों में से एक है। बच्चों, मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुर मात्रा होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। मानचित्र में देखिए, भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से बच्चों, आपने यहाँ तक यह जान लिया है कि हमारी पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप कौन कौन से हैं। आपने पृथ्वी पर पर्वत, पठार व मैदान को अच्छे से समझ लिया है तथा अब आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन यापन पर इन बड़ी मुख्य स्थलाकृतियों का प्रभाव कैसे और किस रूप में दिखाई देता है। तो आइए इसका अध्ययन हम इस शीर्षक के तहत करेंगे, स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। बच्चों, इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग कर सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग कई बार गलत तरीके से करते हैं। आजकल आप यह देखते होंगे कि कई बार जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना तथा जगह जगह पर कूड़ा करकट फेंकना या पानी में कूड़ा फेंक देना जो इन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। इसीलिए हमारी सरकारें स्वच्छता के लिए विभिन्न योजनाएं व मिशन चलाती हैं। उन्हीं में से एक है स्वच्छ भारत मिशन। बच्चों, जैसे आप जानते हो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल,
वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अब हम अपने प्राप्त ज्ञान को और अधिक गहरा करने के लिए कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। आप इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल रूप है पर्वत, पठार और मैदान। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? आप अपने भारत देश से एक एक उदाहरण दीजिए। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पर्वत का उदाहरण हिमालय पर्वत, पठार का उदाहरण दक्षिण का पठार है। शाबाश बच्चों। सर, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? बच्चों, पर्वतों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक वलित पर्वत, नंबर दो भ्रंशोत्थ पर्वत, नंबर तीन ज्वालामुखी पर्वत। धन्यवाद सर। बच्चों, अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? मनुष्यों के लिए पर्वत कई प्रकार से उपयोगी हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। पर्वतों से प्राप्त जल सिंचाई तथा पीने के लिए उपयोग किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देता है। शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। क्या बात है बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। शाबाश। अगला प्रश्न है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की भी कमी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम पर्वतों पर जाते हैं तो रास्ते में हमें वहाँ पर दूर दूर तक घर नजर नहीं आते। बच्चों, यदि कोई घर नजर आते हैं तो कहीं कहीं एक एक या दो दो, वो भी दूर दूर स्थित दिखाई देते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको हर प्रश्न के उत्तर में तीन विकल्प होंगे, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनना होगा। तो पहला प्रश्न है, पर्वतों का पठारों से भिन्न होने का कारण है? विकल्प क ऊंचाई, ख ढाल, ग अभिमुखता। ऊंचाई।
बिल्कुल सही, क्योंकि ऊंचाई के कारण ही पर्वत व पठार में अंतर आता है। पर्वत का शिखर होता है तथा पठार का ऊपरी हिस्सा उबड़ खाबड़ और मेज के समान सपाट होता है। अगला प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? विकल्प क पर्वतों में, ख मैदानों में, ग पठारों में। पर्वतों में। बिल्कुल सही, विकल्प क पर्वतों में, क्योंकि हमें मालूम है ऊंचाई के साथ साथ जाने पर तापमान में गिरावट आती है। अगला प्रश्न है बच्चों, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? विकल्प क केन्या, ख ऑस्ट्रेलिया, ग भारत। भारत। बहुत खूब, भारत के दक्षिण भाग में यह पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? विकल्प क दक्षिण अमेरिका, ख ऑस्ट्रेलिया, ग चीन। चीन। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क एंडीज, ख आल्प्स, ग रॉकीज। आल्प्स। बिल्कुल सही उत्तर बच्चों। आइए बच्चों, इस प्रश्न में हम रिक्त स्थान भरेंगे। पहला प्रश्न है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को रिक्त स्थान कहते हैं? मैदान। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न, हिमालय एवं आल्प्स रिक्त स्थान पर्वतों के उदाहरण हैं? युवावलित। बहुत अच्छे। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है? पठार। बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पर्वतों का एक क्रम है? श्रृंखला। बिल्कुल सही, जैसे बच्चों हिमालय पर्वत एक श्रृंखला है, रिक्त स्थान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। मैदानी। बहुत खूब। चलिए बच्चों, अब हम कुछ मानचित्र कार्य करते हैं। विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। पहला, पर्वत श्रृंखलाएं जिसमें हिमालय, रॉकीज तथा एंडीज, यहाँ मानचित्र में आप इन तीनों को देख सकते हैं कि ये पर्वत किस प्रकार से श्रृंखला के रूप में फैले हुए हैं। दूसरा, पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन पठार, यहाँ मानचित्र में आप इन दोनों पठारों को देख सकते हो। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में देखा कि हमारे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप मुख्य रूप से तीन हैं, जिन्हें हम पर्वत, पठार या मैदान कहते हैं। आपने इस अध्याय में इनका एक एक करके गहन अध्ययन किया। आपने पर्वतों के बनने और उनके महत्व को भी अच्छे प्रकार से जाना। इसी प्रकार से आप पठार और मैदान तथा हमारे मानव जीवन पर पड़ने वाले इनके प्रभावों आदि के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन किया। बच्चों, आपने अपने इस अध्याय में अपने प्राकृतिक स्थल रूपों के महत्व को समझते हुए इनकी हमारे जीवन के प्रति महत्ता को जाना, तथा हमें अब आपसे यह भी उम्मीद है कि आप इस प्रकार से प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन स्थल रूपों का आदर करेंगे और इन्हें बहुत अच्छी प्रकार से प्रयोग में लाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।